वेस्टर्न कोलफील्ड्स के कांदर स्थित जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय चिकित्सालय के कोविड केयर सेंटर में मंगलवार को प्रातःकाल ऑक्सीजन की कमी के कारण 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद मरीजों के परिजनों ने वहां तोड़फोड़ कर दी। एक बार फिर सिटी में तापमान बढ़ने लगा है। पिछले दिनों बारिश के चलते तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक उतर आया था, लेकिन अब फिर यह 40 के करीब पहुंच चुका है। एमआईडीसी थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात सनसनीखेज वारदात हुई। अज्ञात आरोपी ने एक पुलिसकर्मी के घर पर आग लगाकर परिवार को जिंदा जलाने का प्रयास किया। यशोधरा नगर पुलिस ने घर पर ही क्रिकेट सट्टे की खेल कर रहे सटोरियों को छापा मारकर गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी योगी अरविंद नगर निवासी शिव कुमार राम प्रसाद कश्यप बताया गया है। सिम कार्ड बंद होने का झांसा देकर साइबर ठग ने एक व्यक्ति के खाते से रकम उड़ा ली। गिट्टी खदान पुलिस ने वीरचक्र कॉलोनी काटो रोड निवासी संदीप देवराव चोपड़े की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। जिले में 24 घंटे के भीतर 29,122 लोगों की जांच की गई। यह अब तक की सबसे अधिक टेस्टिंग रही। अधिकाधिक जांच होने का ही नतीजा रहा कि 6,826 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अमरावती रोड के वाड़ी परिसर में स्थित वेलट्रीट अस्पताल में 9 अप्रैल को हुए अग्निकांड में 4 मरीजों की मौत हो गई। प्रशासन, बिल्डिंग मालिक और डॉक्टर की घोर लापरवाही उजागर हुई। महिला मरीज का शव अपने कब्जे में लेने के लिए परिजनों ने मानकापुर स्थित एलेक्सिस अस्पताल के स्टाफ से विवाद किया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। यशोधरा नगर पुलिस ने मंगलवार को गश्त के दौरान अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 3 शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार किया। उनसे 62,240 रुपए का माल जब्त किया। नागपुर सिटी सहित जिला और भंडारा वर्धा आदि में कोरोना मरीजों को तुरंत आपूर्ति के उद्देश्य से ऑक्सीजन सिलेंडर टैंकर के माध्यम से तुरंत उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने के निर्देश केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जिलाधिकारी और मनपा आयुक्त को दिए।